गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जहां से आप कंटेंट क्रिएट करोगे और उसके बाद अपने लिए 40 पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल के लिए क्रिएट कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेकिन अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात करेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हर दिन मनी अर्न करना चाहते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन मनी भी अर्न करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन हो सकता है इंप्लीमेंट नहीं किया हो। और गाइस, ये बेस्ट सॉल्यूशन है ऑनलाइन मनी अर्न करने के लिए, हर दिन घर बैठे पैसे कमाने के लिए। अगर आप जानना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, टैक्टिक्स कैसे इंप्लीमेंट करके मनी अर्न कर सकते हैं, तो इस लिंक को चेक करना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। जैसे उस लिंक को चेक करोगे, वहां देखोगे आपको मिल रहा है 3 दिनों का फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप। और ये फ्री वर्कशॉप सिर्फ आपके लिए है ताकि आप समझ सको कि कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्टिक्स क्या है, कैसे शुरुआत करके एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप सभी जो है ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो, हर दिन पैसे कमा सकते हो। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फ्री वर्कशॉप मिल रहा है, तो कोई भी मनी इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो 3 दिनों का फ्री एफिलिएट मार्केटिंग वर्कशॉप। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी के बारे में, जहां से आपको कौन से टॉपिक पर कॉन्टेंट क्रिएट करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सेकेंड, मैं आपको बताऊंगी कैसे उस कॉन्टेंट को आप लोग एक शीट में यूज करोगे। थर्ड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप सभी इजी वे में 40 पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो काइंडली गाइस, इन तीनों स्टेप्स को आप सभी मिस नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपने डेफिनेटली इस मेथड को कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। और यहाँ पर जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हो, अगर आप सभी अपने यूट्यूब चैनल को हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाहते हो, फीचर करवाना चाहते हो, तो आप सभी एक फॉर्म को फिल कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। सो गाइस, बिना देर किए आप सभी को ये तीनों स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ, तो कंटिन्यू बने रहना, आप सभी इस वीडियो को देखते रहना। सो गाइस, बिना लेट किए चलो आप सभी को लेकर चलती हूँ डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, वहां देखते हैं ये तीनों स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगी चैट जीपीटी के बारे में। ऑब्वियसली आपको चैट जीपीटी के बारे में पता है कि एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी बहुत सारे काम कर सकते हो, मनी अर्निंग से रिलेटेड, चैनल मोनेटाइज करने से लेकर अपने पोस्ट के लिए कॉन्टेंट लिखने से लेकर बहुत सारी चीज यहाँ से आप काम कर सकते हो, क्योंकि एक कन्वर्शनल वे में काम करता है। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी सर्च करने के बाद क्लिक करना है। यहाँ पर आप आ जाओगे ओपन एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी पर। यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा गाइस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी। आपको यहाँ पर साइन अप और लॉग इन करने का ऑप्शन दिखेगा। ऑलरेडी आईडी है तो आप लॉग इन कर सकते हो, एल्स आप सभी यहाँ से साइन अप कर सकते हो ईमेल एड्रेस और कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू। तो यहाँ मैं कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू जा रही हूँ, इजी होगा मेरे लिए। लॉग इन या साइन अप करने के बाद आपको इस तरीके का यहाँ पर प्रीव्यू यानी कि एक डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे, डन करेंगे और यहाँ पर आपको न्यू चैट का ऑप्शन दिख जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर सर्च आइकन दिख रहा है, तो आपको यहीं पर सर्च करना है। सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है 14 ways, 20 ways to make money online, 40 ways to make money, earn money online। तो यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ 30 ways to earn money online, और यहाँ पर सर्च आइकन दिख रहा है, इस पर मैं यहाँ से सर्च करूंगी और यहाँ से ही जो मेरा रिस्पॉन्स है वो जनरेट होने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि जो 30 ways मैंने सर्च किया है वो यहाँ पर सर्च में आ रहा है। Freelancing offer your skills and services on website like Upwork, Fiverr and Freelancer। यहाँ से आपको पूरे 30 ideas जो है मिल जाएंगे आपकी मनी अर्निंग से रिलेटेड, आपके कैसे ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी 30 ways to make money from affiliate marketing, ये भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ये भी मैं आपको भी नेक्स्ट टर्म में सर्च कर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ 40 ways to make money from affiliate marketing। एंड एज यू ऑल नो कि चैट जीपीटी एक कमाल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जो भी सर्च करते हो, जो भी आपका टॉपिक है जैसे रिलेटेड आपको कॉन्टेंट चाहिए, ये यहाँ पर आपको कॉन्टेंट जनरेट करके देता है। तो फिलहाल मैं यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ और यहाँ से मुझे 40 ways to make money from affiliate marketing, मैं यहाँ पर ये सर्च करके देखती हूँ कि यहाँ पर क्या हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो गाइज, यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे 40 ways कैसे affiliate marketing के थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हो ऑनलाइन, ये भी आपको यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। और आप अपने हिसाब से यहाँ पर 30 ways, 10 ways, 20 ways जो है क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से आपका कॉन्टेंट जो है रेडी हो जाएगा। इस कॉन्टेंट को कैसे आपको यूज करना है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, तो काइंडली आप सभी इस वीडियो को इन तक देखना, क्योंकि सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप कि आपने उसे कभी ट्राई भी नहीं किया होगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे 40 वेज जो है यहाँ से क्रिएट हो चुके हैं। एक बार आप इसे रीड आउट कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो आपका जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है।
वापस से मैं यहाँ स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ से फिर से स्क्रॉल डाउन करूंगी। अगर आपको यहाँ पर ये 40 वेज जो है पसंद नहीं आ रहे तो यहाँ से आप वापस इसे रीजनरेट कर सकते हो। यहाँ पर वापस से आपको चैट जीपीटी 40 वेज जो है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्रिएट करके देगा, है ना गाइज। ये एक अमेजिंग एआई चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म जहाँ से आप जैसा चाहो वैसा कंटेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से वापस से हमारे लिए 40 वेज क्रिएट हो रहे हैं। तो फाइनली यहाँ से हमारा 40 वेज क्रिएट हो चुका है और ये मैं सारे जितने भी 40 वेज हैं इसको यहाँ से मैं करने वाली हूँ कॉपी। तो अभी आप सभी को भी ये सेम काम करना है कि आपका जब कंटेंट क्रिएट हो जाए यहाँ से जनरेट होकर आ जाए तो आपको वो सारे 40 वेज यहाँ से कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपको अपने न्यू टैब पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एक्सेल गूगल डॉक्स। और यहाँ पर जैसे सर्च करोगे ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है गूगल शीट्स ऑनलाइन स्प्रेडशीट एडिटर पर। क्लिक करते के साथ कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको एक साइड में सीरीज दिख रहा है और यहीं पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्लॉक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किया है। तो यहाँ पर हमारे 40 वेज जो है गाइज आ चुके होंगे। एक बार मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके चेक करती हूँ, 13, 25, 30, 40, यहाँ पर पूरा हमारा 40 वेज है गाइज। और यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, इसे करना होगा डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर के टॉप राइट में, मतलब टॉप साइड में आपको दिख रहा होगा फाइल का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑप्शन दिख रहा है, कॉमा स्प्रेडशीट वैल्यूज दिख रहा है, सीएसवी दिख रहा है। तो आपको जिस फॉर्मेट में से डाउनलोड करना है वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV। और इस फाइल को हम लोग आगे यूज करेंगे अपने पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, किस इनोवेटिव वे में वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ से हमने अपना एक्सेल शीट जो है क्रिएट कर लिया है, हमने यहाँ से अपने लिए कंटेंट भी क्रिएट कर लिया चैट जीपीटी के थ्रू। थर्ड स्टेप जो है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप सभी कैनवा से 40 पोस्ट जो है अपने क्रिएट करोगे अपने सोशल मीडिया हैंडल के लिए। तो अभी आपको अपने ब्राउजर पर सर्च करना है कैनवा। कैनवा पर जैसे आओगे आपको यहाँ पर लॉग इन करना होगा, ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ। यहाँ पर आपको सर्च आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं यहाँ पर सर्च करूंगी इंस्टाग्राम और यहाँ पर लिखूंगी पोस्ट। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर और पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मैं स्क्वायर वाला ऑप्शन ले लूंगी और यहाँ से क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट पर मैं क्लिक करूंगी। जो ब्लैंक पेज है हम लोग उसे पिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है टिप्स, इंस्टाग्राम टिप्स या फिर आइडियाज, कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे सर्च किया टिप्स, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 ways टू इम्प्रूव योर वर्क लाइफ, द बेस्ट 5 ways। तो इस तरीके से अभी आपको इसमें से एक टेम्पलेट जो है अपने लिए चूज करना होगा। तो हम लोग यहाँ से एक टेम्पलेट जो है पिक करने वाला है। तो अभी मैं देखती हूँ कौन सा टेम्पलेट जो है मेरे लिए वर्थफुल है, तो उसके हिसाब से मैं किसी को एक को चूज कर लूंगी। अब यहाँ से इस टेम्पलेट को मैंने चूज कर लिया, गॉट इट, और यहाँ से मैं इस टेम्पलेट को यूज करूंगी। तो गाइज यहाँ पर ये टेम्पलेट आ चुका है। अब कैसे ऑटो वे में आप यहाँ से अपना क्रिएट करोगे 40 पोस्ट वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आना है, डिजाइन एलिमेंट्स अपलोड्स का ऑप्शन है, टेक्स्ट है, प्रोजेक्ट्स है, एप्स है। तो आपको यहाँ पर एप्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट टू इमेज और ये सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करते आना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड करने का। तो गाइज यहाँ से आप सभी आसानी से अपना पोस्ट जो है इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो हमने एक टेम्पलेट जो है पिक कर लिया, टेम्पलेट को आपको यहाँ से थोड़ा बहुत एडिट करना होगा। तो यहाँ पर आप सभी अपने इंस्टाग्राम हैंडल का नाम जो है एंटर कर सकते हो। यहाँ पर मैं एंटर कर देती हूँ यूट्यूब मंत्रा और यहाँ से आप सभी को ये सारी चीजें जो है कॉपी करके चेंज करनी होंगी। तो सिंपल है, यहाँ पर आपने जो एक्सेल शीट पर यहाँ पर आपने कॉपी की है सारी चीजें, जैसे प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑन योर ब्लॉग और वेबसाइट। तो यहाँ से एक एक करके आप यहाँ पर इसे, जैसे मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। सबसे पहले कॉपी करने के बाद आपको वापस से आना है कैनवा पर और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे एडिट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और यहाँ से इस तरीके से आपका आप यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज और जो भी फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो और आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है टेम्पलेट का वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से ग्रीन है ये, तो मैं इसे यहाँ से येलो रेड कोई भी कलर जो है चूज करके पिक कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इसे मैं ब्लू कर देती हूँ और यहाँ पर आप इसे ड्रैग करके ऊपर भी कर सकते हो। अब सेम आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड पेज पर आ सकते हो, ऐड पेज करोगे सेम यहाँ पर आ जाएगा। वापस से आना है आपको यहाँ पर और इस चीज को यहाँ पर कॉपी करना है वापस से प्रमोट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हम लोग इसे कॉपी करेंगे, वापस से आ जाएंगे कैनवा पर और यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आना है आपको, ऐड अ हेडिंग का ऑप्शन लेना है, यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हो कि फॉन्ट फिर ये डिफरेंट हो गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसे यहाँ से डिलीट करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इसे करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग नेक्स्ट पे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे पेस्ट।
और यहाँ से इसी सेम फॉन्ट में आपको वो टेक्स्ट अपना जो है यहाँ पर पेस्ट करना होगा। और वापस से भी आपको आ जाना है एक्सेल शीट पर, यहाँ से आपने ये कॉपी करना है और वापस से आकर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो ये एज इट इज सेम फॉन्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो सेम जैसे आपने यहाँ पर अपने चैनल का, यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल का जो है यहाँ पर एंटर किया है, सेम इसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और ये सेम जगह पर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने 40 पेजेस जो हैं ऐड पेज करके यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, जो भी आपने एक्सेल शीट बताया है। इसके बाद अब बात आती है कि आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसे अपलोड करना होगा। यहाँ से इंस्टाग्राम आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। आपने अगर अपना अकाउंट बना रखा है तो आपको लॉग इन कर लेना है अपने फ़ोन से और आप यहाँ से जो भी पोस्ट क्रिएट करोगे उसे आपको यहाँ से शेयर पर आकर डाउनलोड पर इसे डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड में आपको 40 पेजेस, यहाँ मैंने दो पेज आपको क्रिएट करके दिखाए, आपको 40 पेजेस क्रिएट करने हैं, डाउनलोड करना है। अब इसकी बात आती है कि इस पर कैप्शन क्या ऐड करोगे, तो वो गाइस वी हैव चैट जीपीटी, हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं एक्सप्लेन नंबर वन। तो ये आपको मैं यहाँ से बता रही हूँ कैप्शन के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। तो अभी हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं और देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सप्लेन नंबर वन, ये हमारे हिसाब से अपने हिसाब से जो है नंबर वन जो भी था यहाँ पर उस आइडिया को, वे को यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है चैट जीपीटी। और देख रहे हो कि काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अभी इसे हम लोग शॉर्ट में कैसे यूज़ करेंगे वो तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी यहाँ से मैं स्टॉप करती हूँ, स्टॉप करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेक इट शॉर्ट प्लीज़। और चैट जीपीटी जो है आपका यहाँ पर कॉन्टेंट जो है वो भी शॉर्ट कर देगा। तो अभी यहाँ से आपको देख सकते हो कि एक्सप्लेन नंबर वन जो आपने सर्च किया था उसे यहाँ से शॉर्ट करने वाला है। तो यहाँ से शॉर्ट इन होकर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से जो नंबर वन आपने डाउनलोड किया, जो नंबर वन है आपका वे, उसको आपको यहाँ से कॉपी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे वापस से अपने न्यू टैब पर, यहाँ पर हम लोग सर्च करने वाले हैं गूगल डॉक्स। इससे पहले हमने यूज किया था एक्सेल शीट, अब हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट्स यानी कि गूगल डॉक्स यूज करने वाले हैं। यहाँ पर गो टू डॉक्स पर आना है, अगर आपकी यहाँ पर आईडी है तो अच्छी बात है, एल्स गाइस आपसे भी क्रिएट कर लेना। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है इसको यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, वापस से आऊंगी यहाँ पर एक्सेल शीट पर और यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है हमारा उसे मैं यहाँ से कॉपी करने वाली हूँ। यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, वापस से आ जाऊंगी मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल पर और यहाँ पर मैं ऊपर आऊंगी, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ से एंटर प्रेस करूंगी और यहाँ पर नंबर वन एंटर करने वाली हूँ, नंबर वन यहाँ से स्लैश, और यहाँ से अगर आप चाहो तो इसे बोल्ड भी कर सकते हो, इसे मैं यहाँ पर हाईलाइट करके यहाँ पर ऐसे बोल्ड कर देती हूँ। और इसी तरीके से आपको सारे 40s के जो भी अगर आपको कैप्शन चाहिए अपने इंस्टाग्राम के लिए तो आप क्रिएट कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पर इसे पब्लिश कर सकते हो। सो दिस इज हाउ गाइज आप सभी चैट जीपीटी से अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उसे एक्सेल शीट में आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको कैनवा का यूज करना है, कैनवा पर आकर आप सभी आसान तरीके से, मैंने आपको बताया थोड़ा एफर्ट्स लगेगा लेकिन यहाँ पर अपने 40 पोस्ट जो है क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको सारे कंटेंट जो है कैप्शन आपके एक एक पॉइंट्स के लिए वो भी चैट जीपीटी यहाँ से क्रिएट करके दे देगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियरली समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप सभी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप गाइस कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से जरूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हो अभी कभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप सभी को ऐसी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी बात करने वाले हैं वैसे लोगों के बारे में जो लोग अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, फ्रीलांसर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, तब भी घर बैठे मनी अर्न कर सकते हो। और आप जैसे लोगों के लिए मेरे पास बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब भी पा सकते हो, घर बैठे अपना बिजनेस चला सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में तो लिंक ड्रॉप किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी चेक कर लेना। चेक करते के साथ आपको दिखेगा वहां पर आपको मिल रहा है 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्री डेमो क्लास है, यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट्स, एसईओ, होस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सारी चीज़ों के बारे में जान पाओगे। और इसके लिए बस आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको मेल आईडी, फोन नंबर और नाम अपना प्रोवाइड करना है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, बाय।